हे गाइस, फाइनली एसोस ने भारत में लॉन्च कर दिया है अपना एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M1। तो ऐसे में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर में रेडमी नोट 5 प्रो बेस्ट है या फिर एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 बेस्ट है, और दोनों में से कौन सा लेना सही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में एक डिटेल स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। वेल, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी के चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी पे भी दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहां पर हम इन दोनों फोन के बीच में डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर और स्टोरेज कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर में दोनों में से कौन सा फोन लेना सही होगा। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो आपको ASUS ZenFone Max Pro M1 में मिलता है 5.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले 18:9 रेशो के साथ। साथ में जो स्क्रीन दिया गया है वो है IPS LCD डिस्प्ले और रेजोल्यूशन दिया गया है 1080x2160। इसी के साथ अगर हम बात करें Redmi Note 5 Pro की, तो इसमें आपको दिया गया है 5.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले 18:9 रेशो के साथ, और जो डिस्प्ले दिया गया है वो है IPS LCD डिस्प्ले, साथ में रेजोल्यूशन दिया गया है 1080x2160 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो आपको दोनों फोन के अंदर सेम डिस्प्ले मिलता है। आइए अब इन दोनों फोन के बीच में कैमरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कैमरे की, तो आपको ASUS ZenFone Max Pro में बैक साइड में मिलता है डुअल कैमरा, एक मिलता है 13 मेगापिक्सल का और एक मिलता है 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ। इसी के साथ अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की यानी सेल्फी कैमरे की, तो इसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ, साथ में मिलता है LED फ्लैश। इसके अलावा इस फोन का एक और दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम के साथ, जिसमें आपको मिलता है डुअल कैमरा 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का, जो कि बैक साइड में कैमरा होगा, और इसी के साथ आपको फ्रंट में मिलेगा 16 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ। ये वाला जो कैमरा है वो आपको सिर्फ 6GB रैम मॉडल के साथ ही मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें Redmi Note 5 Pro की, तो Redmi Note 5 में आपको बैक साइड में मिलता है डुअल कैमरा, एक मिलता है 12 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ और एक मिलता है 5 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ LED फ्लैश के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की Redmi Note 5 Pro में, तो इसमें आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ, साथ में मिलता है LED फ्लैश। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैमरे की, तो Redmi Note 5 Pro में सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का दिया गया है, जबकि आपको ASUS ZenFone Max Pro में जो फ्रंट कैमरा है 6GB रैम के साथ, उसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर आप 3GB या फिर 4GB वाला रैम वाला वेरियंट लेते हैं, तो उसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। तो अगर हम बात करें प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम की, तो आपको ASUS ZenFone Max Pro M1 में मिलता है Snapdragon 636 का प्रोसेसर Octa Core 1.8 GHz प्रोसेसर के साथ। इसी के साथ आपको ASUS ZenFone Max Pro 3 वेरिएंट में मिलता है, एक मिलता है 32GB प्लस 3GB रैम के साथ, जिसकी जो प्राइस है वो है 10,999 यानी 11,000। इसके अलावा दूसरा वेरिएंट है 64GB 4GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 12,999। इसके बाद एक तीसरा वेरिएंट है, स्पेशल वेरिएंट है, जो कि है 64GB 6GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 14,999। इसके अलावा आप इसमें SD कार्ड डाल के भी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है Android 8.1 और जो बैटरी है वो है 5000 mAh की। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi Note 5 Pro की, तो इसमें आपको मिलता है प्रोसेसर Snapdragon का 636 Octa Core प्रोसेसर 1.8 GHz प्रोसेसर के साथ Arduino 509 के साथ। तो इस फोन में आपको एक वेरिएंट मिलेगा 64GB 4GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 13,999, और एक दूसरा वेरिएंट है 64GB 6GB रैम के साथ, जिसकी जो कीमत है वो है 16,999 यानी 17,000। इसके अलावा इस फोन में आपको Android 7.1 मिलता है, साथ में जो बैटरी दिया गया है वो है 4000 mAh की। इसके अलावा इन दोनों फोन में आपको डुअल सिम 4G वोल्टेज सपोर्ट, फिंगरप्रिंट, साथ में फेस अनलॉक जैसे फीचर भी मिलेंगे। तो यार, यहाँ पर अगर हम बात करें कंपैरिजन की प्राइस और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से जो ASUS का ZenFone Max Pro M1 है वो ज़्यादा बेहतर है, जो भी इसका 6GB वाला रैम वेरियंट है, जिसकी कीमत है
15,000 यानी 14,999। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi Note 5 Pro की तो इसकी जो कीमत है वो है 16,999 यानी 17,000, जिसमें आपको 6GB RAM मिलता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पर आपको Redmi Note 5 Pro में जो कुछ भी फीचर मिल रहा है 17,000 रुपये में, तो वही सेम फीचर आपको Asus ZenFone Max Pro M1 में मिलेगा जो कि 15,000 रुपये के आसपास है, यानी 2,000 रुपये का फ़र्क है। इसके अलावा अगर आप 4GB वाला RAM वाला वेरियंट लेते हैं Asus ZenFone Max Pro या फिर Redmi Note 5 Pro में, तो यहाँ पर आपको Redmi Note 5 Pro में कैमरा सही मिलेगा 20MP का, और बैक कैमरा भी सही मिलेगा, जबकि आपको यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 में फ्रंट कैमरा मिलेगा 8MP का। तो इसलिए आपको 6GB RAM वाला वेरियंट लेना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप Asus ZenFone Max Pro M1 लेते हैं 6GB RAM वाला वेरिएंट 15,000 रुपये में, तो वहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में सिर्फ 4000mAh की बैटरी की मिलती है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको स्पेसिफिकेशन से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो 6GB RAM वाला वेरिएंट है उसमें Asus ZenFone Max Pro M1 विनर है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से कौन विनर है और आप लोग इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे, नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कुछ भी सवाल होता है नीचे कमेंट कर देना, और अगर आप किसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।